दोस्तों नए साल के इस जश्न में आप बुलाते हैं उन जबरदस्त कॉमेडियंस को जिन्होंने अपने लिए मंजिल ही नहीं रास्ता भी खुद ही बनाया है। सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस बना बना के लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर जाकिर खान, मिस्टर अभिषेक उपमन्यु, मिस्टर अनुभव सिंह बस्सी एंड कुशा कपिला। वेलकम कुशा, वेलकम 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 वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों धुरंधरों के लिए। ये चारों दिखने में जितने भोले भाले लग रहे हैं, है नहीं, आप सब जानते हैं इनको। कुशा हमारे शो पे दूसरी बार आई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया साहब, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू ब्रदर। अर्चना जी ये देखो आप, इन्होंने ऐसा लोगों का दिल जीता है। I love all of them. इनका क्रेज कमाल है यूथ में, जैसे आप बैठे बैठे कमाती ना वैसे ये खड़े खड़े कमाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको कुछ पूरी ड्रेस दिखानी है आपको बस बहाने से, है ना। कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे आपके आने से पहले, कि होता ना कि आज मैं नए साल से ये छोड़ दूंगा या ये नई आदत डालूंगा, आप लोग भी ऐसा करते हैं? मेरा तो बेसिकली मेरा ये है कि अगर जिस दिन एक तारीख नया साल और मंडे, हाँ, ये तीनों एक साथ बैठ जाएगा तो मैं मान लूंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं। या तो मंडे नहीं होता, या एक तारीख नहीं होती, या नया साल नहीं होता, हाँ। बस उसी वे जिम नहीं जा पा रहे। अभिषेक, मेरा रेजोल्यूशन पूरा ना होने पे जो बुरा लगता था ना, वो बुरा लगाना छोड़ दिया मैंने। वेरी गुड, यही बदलाव आया। हाँ, मैं कब, अब बुरा नहीं मानेंगे, ये छोड़ दिया है। ये क्या हो गया, ये साल फिर से भाई, नहीं नहीं जैसे टूटे मैं कहा चलो बुरा ही लगाना, हो गया रेजोल्यूशन पूरा। तीन तारीख तक ठीक, मैं तो तीन तारीख तक भूल जाता हूँ क्या रेजोल्यूशन का रख कर, उससे दो तारीख को है तो भूल जाता आदमी। कुशा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सोच रही थी कि यू नो आपके शो पे इतने बड़े लोग आते हैं अपनी बड़ी बड़ी फिल्म्स को प्रमोट करने, मैं खुद को प्रमोट करने आती हूँ आपके शो पे ताकि मुझे बड़ी फिल्म मिल जाए, तो मेरा रेजोल्यूशन है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तीसरी बार कपिल शर्मा के शो पे आऊंगा। आप वैसे ही इतना कमाल कर रही हैं, फिल्म वालों को आपकी जरूरत है, आपको फिल्मों की जरूरत नहीं है। वाह क्या बात, आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी है तो आइए बैठ के बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कुशा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो, मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे होता है, पूरा डिटेल में हमने जाना, तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा पूरा ट्यूटोरियल ले लिया इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लिए लड़कों को दो चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। मुंह पे पानी मारा टॉवल से पूछा तैयार है लड़का, अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। दो कपड़े को खराब करने हैं। मैं आपको बता दूं, अभी ये अपने बस्सी साहब जो हैं, हाँ, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है, आजकल कॉमेडियंस के लिए जरूरी भी है। पता नहीं कब कोई कहां फंस जाए। भाई आपने पहले सोच रखा था कि पहले मैं लॉ करूंगा फिर कॉमेडियन बनूंगा? नहीं, इसे लॉ करके पता चला कि इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जो बोलो ना कॉमेडियन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे दूसरों की पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। शुरू शुरू में कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेता था मैं सबके, लेकिन फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, भूल चुका हूँ वो भी। अच्छा, पर मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे अभिषेक भी इंजीनियर, मैं उतना ही इंजीनियर हूँ जितने ये सारे हैं। अभी इस रूम में एग्जाम करा, हम सबके सेम मार्क्स आएंगे। किसे जाते ना आज मुझसे। कुछ आता कुछ नहीं। जाकिर भाई आपने क्या किया हुआ है पढ़ाई? सात महीने जिंदगी जी रखी है, सबसे बड़ी डिग्री उसी आदमी पे। जाकिर भाई जैसे हम लोग, जैसे मैंने पहली बार टीवी पे शो देखा है लाफ्टर चैलेंज, तो मैंने सोचा मैं इसमें जाऊंगा। हाँ। आपने तो सीधा ही आप यूट्यूब पे, आपका अब तो लोग आपका इंतजार करते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, लेकिन पहला वीडियो कैसे, शुरुआत कैसे हुई फिर? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो कपिल भाई ने जो लॉ जलाई है उसकी रोशनी में सब लोग हम लोग भाई ठीक है ऊपर वाला है बस। तो
फिर जब लाफ्टर चैलेंज पहली बार आया तो स्कूल में हम लोग थे तो सब लोग ऐसे बोलते थे, जब किसी की मजे ले ली ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते इतना ही फनी तो लाफ्टर चैलेंज क्यों चल जाता। तब से फिर जैसे देखना चालू किया कि अच्छा ये बाकियों का देखने तो ऐसा लगता था इतना भी क्या खास है, तो मैं भी कर लूंगा। करने गए तो पता चला कि साहब नहीं, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। जब पहली बार करने गए तो पहली बार में तो 2 मिनट में उतार दिया उन्होंने, है ना। कभी कभी होता ना कि कुछ चल रहा है अभी सामने से हंसी नहीं आ रही, तो चलते स्टेज पे मन में आया डिग्री तो है ही मेरे पास इंजीनियरिंग की, कल से मैं वही बनूंगा, ऐसा हुआ कभी? मतलब गंदे शो तो मेरे जाते ही रहते हैं। गंदा शो होने की वजह क्या? पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। जैसे कई बार वो हंसते नहीं, मुझे और गुस्सा आता, मैं तुम्हारी तो मैं रात खराब करूंगा। तो फिर मेरे तो अच्छे शो ऐसे लाइन में 10 जाना तो कभी हुआ ही नहीं। क्या अपने आप को प्रमोट करने आए हो या डिमोट? बहुत अच्छे जा रहे हैं शो। ओ भाई जो जा रहे हैं लोग, मैं हेलो बोलता हूँ लोग पागल ही जाते हैं, हेलो कैसे बोल दिए। अभिषेक मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सैनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें 2 लोगों की नौकरी नहीं लगी, एक मैं था और एक था जो सेकंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ लगा के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया, फिर एक और नौकरी लगी उन्होंने निकाल दिया, फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है, निकाल ही रहे हैं ना सारे, मतलब। हाँ करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए? दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर ही रखा, दाल मखने का ना टैटू बना रखा है। क्या सोच के बनाया था कि 2 चपाती तो कोई भी दे देगा, तो दाल तो फाइनल करूंगा मैं। यार लोग मुझे टैटू बनवाना था, लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम ले सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले बस नहीं आते 10 मिनट, पर दाल क्या कर लेगी मेरा, मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है यहाँ दाल में, अगली बार यहाँ बटर नान लिखवा रहा हूँ तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये लो, एक एक ये पीछे बिल लाओ लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा बिल लाओ। मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा तो दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब यूट्यूब पे इतने सारे आपका काम है तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा जब आपके घर वालों को पता चला कि आप, पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने यूट्यूब पे देखा? मैं तो नहीं बताया था, मैं कहते क्या कर रहा हूं, मैं कहा नौकरी, झूठ। तो वो एक बार मेरे घर आ गए थे तो मुझे नकली तैयार होके जाना पड़ा ऑफिस। ओह माय गॉड। पार्क में बैठ गया, मैं कहा यार घर से निकले तो मैं अपने घर जाऊं। तो मैंने तो सीधा जब पहले रुपए आए तब बताया। अच्छा मैं कह ये देख रहे हो। आपकी। तो वकील साहब आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ कॉलेज के हॉस्टल के इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया, दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं क्या कर रहे, उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा, मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ देते हैं, घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था कुछ बता रहा था तब घर पे बताया। अच्छा। तो बस इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ, तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पे, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा, फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं जाता। मैं बोलता हूं मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका, उन्हें लगता है कि तो लगता छेड़ो मत चली जाएगी नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं नहीं मुझे लगता है वो लालची हैं। लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल लॉयर है? कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल, आप उसके बाद आप
कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है. फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये. अरे तो हम तीन लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे. तो चलान में तो ले गए, काट के चलान, बोलते कोर्ट में आना पड़ता है. हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब वो तुम तीन लड़के एकदम बाइक पर पकड़े गए और हमें से एक बोला स्टाफ है. तो पुलिस वाला कह रहा है एक मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है. कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे? अच्छा ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे. नहीं है इसमें. आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहा प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा ही वाला. अभिषेक ने तो हाँ भी नहीं की, ना भी नहीं की. मुझे लगता है कि लड़कियों को पसंद है कि लड़की बताएंगी. हाँ. उनको पता होगा आप लड़की हैं और आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है. तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे आप, आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड ने कैसे इंप्रेस किया था आपको? नहीं, जोरावर ने ऐसे जोक्स मार के तो मुझे इंप्रेस नहीं किया था, बट हाँ लड़कियां होती हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से इंप्रेस. पर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सब लड़कियां उससे इंप्रेस नहीं होती है. और उसके बाद जब वो अच्छे नहीं लगने लगते आपके बॉयफ्रेंड या कोई भी, हाँ. तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं अच्छा लगता. हाँ. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. यार हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो. यार आपका स्कोर क्या आप बताओ ना यार. आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे. मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा तो बाहर जाके देखा ही नहीं, जिंदगी इसी में निकल गई भाई. आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप तमीज़ से बात करते हैं, वो चीज़ें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं. चाहे लड़का शादीशुदा ही हो. रिस्पेक्ट. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.